अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी से होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। अभी जो है कोरोना वायरस के हवाले से कुछ अपडेट आ रही है निकल के, वो मैं आपको अपडेट करने वाला हूँ। फ्लाइट के हवाले से कुछ अपडेट आ रही है निकल के, वो मैं आपको जो है देने वाला हूँ। और भी कुछ इससे रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन आ रही है निकल के, वो मैं आपको देने वाला हूँ। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट हो जाता है। और कुछ स्कूलों के हवाले से, फीस भरने के हवाले से, यानी कि अलग अलग तरीके की जो है अपडेट आ रही है निकल के, वो मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। अगर आप इंडिया आना चाहते हैं, किसी भी कंट्री में आना चाहते हैं कुवैत से, तब भी आप इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि उसके हवाले से मैं आपको अपडेट कुछ देने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही निकल के वैक्सीन के हवाले से आ रही है, चाहे आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं, तो आने वाले वक्त में अभी जो है डेली के तौर पे काफी ज्यादा लोगों को जो है वैक्सीनेशन दी जा रही है। और चाहे एक डोज लगा है या दो डोज लगे हैं, अभी दूसरा डोज तो है अभी लोगों को शुरू नहीं किया गया, जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हीं तक पहुंचा है। लेकिन पहला डोज जो है वो बहुत तेजी से चल रहा है और आने वाले वक्त में 3 महीने के अंदर, यानी कि जून, जुलाई, अगस्त, ये जो 3 महीने हैं जो अभी चल रहा है, अगला महीना और फिर उससे अगला महीना अगस्त, यानी कि इस महीने के लास्ट तक जो है इंशाल्लाह जो है फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट वगैरह नॉर्मल तरीके से ओपन हो जाएगा। लेकिन अगले महीने में पूरे तरीके से नहीं होगा, फिर अगले महीने में, यानी कि जो अगला महीना आ गया, तीसरा महीना अगस्त, तो जिस तरीके से लॉकडाउन से पहले फ्लाइट चलती थी, पूरे तरीके से नॉर्मल तरीके से इंशाल्लाह ओपन हो जाएगा। और ये सारी चीज चल रही है वैक्सीनेशन के, उसी के हवाले से जो है वैक्सीन लोगों को दी जा रही है और तेजी से काम चल रहा है। तो अपन अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए और तुरंत वैक्सीन लीजिए। दूसरी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। स्कूलों के हवाले से 25% जो छूट देने का ऐलान किया था, वो अभी नहीं मिल रही है। अगर आप कहीं पे भी जो है पेमेंट वगैरह करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज पर, और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो भी काफी बड़ी है। और ये जो अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है वंदे भारत मिशन के तहत। बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे थे कि वंदे भारत मिशन के तहत अभी अब हम जो है इंडिया के अंदर आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। तो बिल्कुल आ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, पीसीआर टेस्ट आपके पास में होना जरूरी है। लेकिन जब आप रिटर्न जाएंगे, तो रिटर्न का भी आप पहले खुद सोच लीजिए, अगर आप आना चाहते हैं तो। अगर नहीं आना चाहते हैं, तो अगर आप इंडिया से वापस नहीं जाना चाहते हैं कुवैत में, तो कोई टेंशन नहीं है, कभी भी आइए, कभी भी जाइए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये एक बड़ी अपडेट थी, सोचा आप लोगों तक शेयर की जाए। अब बात कर लेते हैं शनिवार की अपडेट आ रही निकल गया है। जो डीजीसी की तरफ से, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से बड़ा अपडेट दिया गया है, और कहा गया है जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है 15 मिनट के लिए, जो है डीजीएसए ने कहा है 15 मिनट के लिए जो एयरपोर्ट की लाइट है वो काटी जाएगी और कुछ जो है लाइट को सही सुध किया जाएगा। तो इसलिए 15 मिनट के लिए लाइट जो है शनिवार को काटी जाएगी। तो इसलिए पहले ही लोगों से आगाह किया है कि परेशान न हो और किसी भी तरीके से कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।